अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग ब्रो। क्या हाल है? ठीक हो? सब खैरियत है? फिट फाट? मज़े में ना यार। ये तो बता चुका था कि हम सिक्योरिटी की शिप पर जा रहे हैं और पहुंच भी गए हैं, लेकिन आगे मैंने आपको दिखाया नहीं कि फेस्टिवल कैसे, शिप कहाँ पर और ये सारी चीज़ें। खैर, आज मेरा दूसरा दिन था शिफ्ट का, क्योंकि शिफ्ट अभी ख़त्म होने वाली है विद इन 2 घंटे के अंदर। यहाँ बज रहे हैं 5 और जहाँ पर मेरी डिप्लॉयमेंट है वहाँ से सनराइज़ और सनसेट दोनों अच्छे लगते हैं, बट सनराइज़ की क्या बात है। तो सनराइज़ अभी 5:04 हो रहे हैं और 5:07 पे प्रॉपर होता है, मतलब सूरज निकलता है। बट उससे पहले वो जो रेड लाइट टाइप कुछ होता है ना, मतलब यार उसका एक नाम होता है, जो भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा। ये वाला ब्रो, ये 5 और सनराइज हो रहा है, चेक करो। मुझे और कुछ नहीं, काशी भाई जो है वो सनराइज़ जैसे ही होता है इधर आके बैठ जाते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे दानिश भाई, वो भी थे क्योंकि इनकी कल शिफ्ट किसी और जगह पर थी, लेकिन बट रात को ये इधर ही हमारे साथ लगे। तो हम जुगाड़ बुगाड़ क्या लगाते हैं कि एक चेयर है हमारे पास और एक चेयर ये हमने अपने मुफ्ता मारा था, ये गत्ता किसी का पड़ा हुआ था। तो जैसे ये है ना पीछे घर शर, मतलब टेंशन, तो इनके पीछे हम जो है वो रात के टाइम 12-1 बजे के बाद घंटा सो जाते हैं और फिर दोबारा हब पर जाते हैं, दो सिग्नेचर करते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब चक्कर भी लगाते हैं, काम भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं। तो ये सीन था। बट जो मामलात है ना, रात की ठंड में तो गुजर जाते हैं, मतलब ठंड अभी भी लग रही है, और दिन में जाके वहाँ पर बहुत मसला होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है कि धूप होती है। पहले दिन कुछ बादल थे कुछ, लेकिन बहुत धूप होती है। जाएंगे और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज लोकेशन भी चेंज करनी है क्योंकि सूरज निकलता है और धूप पड़ती है हमारे टेंट पे। कोशिश करेंगे कि छांव दरख्त के नीचे कुछ हो जाए जुगाड़, वरना यार एक मिनट यार ये देखो, तो ये सीन चल रहा है अभी फिलहाल। 2 घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे हो रहे हैं, 8 बजने को, और 8 बजे शिफ्ट ख़त्म होगी और उसके बाद जाके देखेंगे, जलील होंगे गर्मी के अंदर, लेकिन सूरज निकलेगा और सनराइज होगा अच्छा सा, लाजमी दिखाऊंगा। यस, तो जैसे जैसे धूप निकलती आती है, सूरज ऊपर जाता है, वैसे वैसे गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये 6:17 हो रहे हैं, ये वाली धूप लग नहीं रही, मतलब लग रही है लेकिन चुभ नहीं रही, लेकिन अच्छी लग रही है, ठंडी सी, मीठी सी। ठंडी सी मीन्स के ठंड में हल्की हल्की पड़ रही है ना, तो वो गर्म गर्म वाला फील आ रहा है, तो ठंड मीठी लग रही है। बट जैसे जैसे ये तकरीबन 7-8 बजे जाएगी और 8:30, फिर ये बर्दाश्त नहीं होगी। अभी तो सही है, भाई साहब सोए हुए हैं, ऐसे ही मैं भी सोता हूँ रात को, और वो हमारा एक कोलीग, वो भी हमारे साथ है, तो ऐसे सिस्टम चलता है। जब सूरज निकलने से पहले कोई 10-15 मिनट, मतलब 4:45 बजे के बाद मैं नहीं सोता, क्योंकि बस उसके बाद नींद नहीं आती। जो धक्का मुक्की चल रही होती है उससे पहले वो आती है, तो आती है, उसके बाद नहीं आती। फिर इधर ही चेयर रख के काशी भाई भी इंजॉय करते हैं। अभी लगाने जा रहा हूँ मोबाइल को चार्जिंग पे, क्योंकि वो हब होता है वहाँ पर, लगाऊंगा आधा पौना घंटा। वापसी पे जब टाइम हो जाएगा जाके मोबाइल पकड़ेंगे और अपने कंपाउंड में जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, तो सो जाएंगे टेंट की लोकेशन चेंज करके। ये भी दिखाऊंगा, फ्रेश हो जा भाई, मुंह धोले। क्या हो गया सुबह सुबह इतना, कौन सोता है? मैं सोया हूँ, कितना सोया हूँ मैं। वीडियो के सामने सच नहीं बोले जाते ना, और झूठ नहीं बोले जाते ना, पकड़े जाते हैं ना। ससुरा ठीक,
तो भाई हमारा साइन आउट टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, मतलब 8 बज चुके हैं, बस आवाम के इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब जो डे नाइट वाली डे वाली है वो आएगी, बाकी फ्री हो चुकी है, यहाँ से फौरन निकलेंगे। और धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हो गई है, और बस भूख बहुत लग रही है भूख बहुत लग रही है, लेकिन खाना पड़ेगा। पहले सोचा था कि हम जो ब्रेकफास्ट वाला वाउचर है वो उसे यूज़ करेंगे हम लंच के लिए, बट जितनी भूख लगी हुई है लंच तक वेट हो ही नहीं सकता, सो नाश्ता ही करेंगे फाइनली भाई उसने जान छोड़ी है कि भाई आप लोग अब जा सकते हो, क्योंकि वो सुपरवाइज़र की इंतज़ार थी और डे शिफ्ट वालों की इंतज़ार थी, वो आ गए और वो खड़े रहे। 15-20 मिनट लेट हो गए हमें, 9 बजे खाना बंद हो जाना है, अब पता नहीं टाइम से पहुँचते हैं या नहीं। आप करें सर अपना शुक्र जो है वो अभी फूड हमारा जो है वो यू नो ब्रेकफास्ट अभी तक मिल रहा है, बट लाइन बहुत लंबी है। लेट्स सी बस खाने में कुछ अच्छा मिल जाए आज, जैसे कि 3 पराठे, 3 अंडे, चाय, दूध पत्ती। तो भाई सीन हमने कुछ ऐसा किया है कि ब्रेकफास्ट हमने लिया नहीं क्योंकि नॉर्मल था, हमने कहा लंच आज ट्राई करेंगे, वही टोकन जो है ना लंच में यूज़ करेंगे, बस चाय जो है वो फिर मैं ले आया था। अभी तक तो मौसम सही है बट करना पड़ेगा, स्लीपिंग बैग उठाएंगे और वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर सोएंगे। बिस्तर, चाय, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। और खाना तो ऑफकोर्स नहीं खाया, लंच भी खाना है, तो अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी होते हैं अभी सोते हैं और देखते हैं नींद आती है या नहीं। थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी धक्के धक्के से, 15-20 मिनट की नींद, और उसके बाद उठेंगे कोई 1-1.5 बजे, क्योंकि लंच 12 से 2:30 बजे तक का है, तो उस दरमियान ही हमें उठेगा। लंच थोड़ा सा तो हैवी मिलेगा, फिर शाम में 4-5 बजे 5:30 बजे डिनर का वाउचर हमें मिलेगा और वो हम खाएंगे। सेकंड ये कि मौसम फ़िलहाल तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, बट यहाँ पर बीच मैंने बताया था पहले वाले ब्लॉग में कि बीच यहाँ पर नज़दीक है, और बहुत सारे बीच, मतलब 3-4 बीच है ना और नज़दीक है, बस पे लगता है कोई 2-1.5 घंटा लग जाएगा और गाड़ी पे जस्ट 15 मिनट्स लगते हैं। बट मसला इज़ कि हमारे पास गाड़ी नहीं है और ना ही इस दफ़ा कोई बंदा साथ में जिसके पास गाड़ी हो और हम उनके साथ चले जाएं, तो ये सीन है, वरना बहुत मज़े का सीन है। खैर इसका देखेंगे, अगर मैं तो कल भी कहा था, गुजरे हुए आज भी कहा है और कल भी कहूँगा दोस्तों को कि बस भी चलते हैं, माने गए तो ठीक वरना नहीं। और माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं से और ऐसे ही दुआएं करते रहिएगा कि आज इस इवेंट पे मुझे अगला इवेंट भी मिल चुका है। आज दूसरा इवेंट था, दूसरा दिन था इस इवेंट का, 4 दिन होंगे यहाँ पर, अगला इवेंट भी 4 दिन का मिल गया। ऐसे ही आप लोगों की दुआएं चलती रहीं तो ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे और ऐसे ही इवेंट्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। खैर अभी सोते हैं और फिर मिलते हैं। थैंक यू यार, मैं उस वक्त उठ गया था और हमने जो है ना वो भी खाना भी खा लिया था, मे भी शायद मैंने दिखाया वो वीडियो में, क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो थी। खैर इस वक्त नहा धो के कश्य भी बैठे हुए हैं, मोबाइल यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं, एक्सटेंशन देखने की कितनी है, 1, 2, 3, 4 और एक वो, ये सारी जो है वो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट होती हैं। काशी भी चेयर रख के सुकून से बैठे हुए हैं, दोस्त नहाने गए हुए हैं, उनके मोबाइल लगे हुए और मैंने अपने लगाया हुआ था, ये सीन है। 6 बज रहे हैं, बस जैसे वो आते हैं तो चेंज करके फिर दोबारा जाएंगे, बट बादल लगता है कि बारिश बारिश का कोई सीन पार्ट होगा यहाँ पे आज, इसलिए आज अपनी तैयारी से जाऊँगा मैं भाई। चलिए जी, खाना हमने खा लिया, यार दिखाना भूल गया, चलो मान लो यार कि मैंने खा लिया और अच्छा खाया, और बाकी अच्छा था आज, फ्राइड चिकन था, मैं इसलिए नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में है हॉट चॉकलेट, तो इसे भी ओवन क्योंकि वहाँ पर पड़ा हुआ यहाँ पर है नहीं, और लड़की की कॉल भी आ रही है कि भाई सारे लाइन में लग गए हैं साइन इन के लिए, तो टाइम से पहुँच जाओ, यार गिर रही है, तो मैं इधर से फ्री होकर फिर आता हूँ और बताता हूँ। और अब हम जा रहे हैं अपनी शिफ्ट की तरफ, आज काफ़ी बंदों की शिफ्ट जो है वो उन्होंने खा ली गई हैं, काफ़ी बंदों को वापस घर भेज दिया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जिस कंपनी की तरफ से हम आए हैं, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, उनके शिफ्ट लगातार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इवन के कल भी है, 4 दिन पूरी होगी, बस आज भी पेट्रोलिंग ही होगी। तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।